अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोए सवसाहूडं अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान राग तें भई जो भक्ति तात काय को नमाय स्तुति को चारी है। धन धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कल हम सभी लोगों ने अनुप्रेक्षा एक अनुशीलन जो कि ये ग्रंथ आदरणीय हुकुम चंद जी भारिल ने लिखा है, इसकी प्रस्तावना हम सभी ने पढ़ी थी। इस प्रस्तावना में उन्होंने जो इस ग्रंथ को लिखने की उपयोगिता है, इस ग्रंथ को लिखना इस समाज के लिए कितना जरूरी था और इस ग्रंथ को लिखना एक आत्मार्थी के लिए कितना जरूरी था, इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत ही सुंदर भाषा में, सरल भाषा में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था। अब आज हम जो मुख्य विषय है पूरी ग्रंथ का, अनुप्रेक्षा एक अनुशीलन, इसका जो एक सामान्य स्वरूप, एक जनरल स्वरूप जो इस चैप्टर में वो कहेंगे, आज अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन सब स्टार्ट करते हैं। ये जो शुरुआत में 4 लाइंस दी हैं अपन वो पढ़ते हैं। मैं धेय हूँ श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। कितनी सुंदर 4 पंक्तियां यहाँ पर भारिल जी ने लिखी हैं। यदि हम देखें तो इन 4 लाइनों में संपूर्ण जिनागम का जो सार है वो उन्होंने गर्भित कर दिया, क्योंकि यदि कोई भी पूछता है कि संपूर्ण जिनागम को हम एक शब्द में कहें तो हम जिनागम को क्या कहेंगे, तो संपूर्ण जिनागम को यदि हमें एक शब्द में कहना हो तो वो है आत्मानुभूति। इसके अलावा जैन धर्म का स्वरूप सार कुछ है ही नहीं। मतलब जैन धर्म में जितनी भी अनियोग हैं, चारों अनियोगों का यदि हम सार देखें, संपूर्ण चर्चाओं का सार देखें, आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, विद्वानों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, उन सभी ग्रंथों का यदि सार है तो वो आत्मानुभूति ही है। और यदि इन 4 लाइनों के हिसाब से कहें तो ध्रुव धाम की आराधना करना ही जिनागम का सार है, सत्य को पहचानना ही जिनागम का सार है, स्वयं को ही अपना ध्येय, श्रद्धेय, ज्ञेय और अपने आप को ज्ञायक भाव मानना, यही जिनागम का सार है। इसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। अब इन 4 लाइनों में मतलब हम देखें तो एक जीव के लिए संपूर्ण विश्व में यदि कोई एक सेंटर पॉइंट है, एक फोकस पॉइंट है, जैसे कि हम बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे ना, कि हम एक लेंस लाते थे, फिर लेंस से हम सनलाइट को एक जगह फोकस करते थे, तो उस फोकस की पावर इतनी हो जाती थी कि वो सनलाइट से वो एक जो पेपर जिस पर हम वो सनलाइट को फोकस कर रहे थे वो भी जलने लगता था। तो इसीलिए हमारा जो इस संपूर्ण विश्व में श्रद्धेय होना चाहिए, ज्ञेय होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ मैं होना चाहिए,
और मेरे अलावा अन्य कोई नहीं होना चाहिए। तो इस चार लाइनों में ये कितनी खूबसूरती से बताया गया है। अब यदि हम और विचार करें इन चारों लाइनों पे, तो यदि हम लोक में यही बात कहते हैं, जो लौकिक क्षेत्र है उस उधर पे हम यदि यही बात कहते हैं कि मैं ही अपना ध्येय हूँ, मैं ही अपना श्रद्धेय हूँ और मेरे अलावा अन्य कोई भी मेरा श्रद्धेय या फिर मेरा ज्ञेय नहीं है, तो वहां पर लोग आपको मतलब ही कहेंगे। वहां पे सब लोग यही कहेंगे कि ये देखो कितना स्वार्थी जीव है, इसको अपने अलावा कोई अन्य दिखता ही नहीं है। लेकिन पारलौकिक क्षेत्र में हमें अपने, अब हमें सिर्फ हमारा स्वार्थ साधना है, आत्म कल्याण का स्वार्थ साधना है, तो यही हमारे लिए कल्याण की बात है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लौकिक मार्ग है और जो पारलौकिक मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, वो कितना विपरीत है। तो यदि अब इन चार लाइनों पे हम और जितना भी विचार करना चाहें, तो हम जितना इसमें विचार करें उतना तत्व इससे निकल सकता है, क्योंकि इन चारों लाइनों में संपूर्ण जिनागम भारल जी ने भर दिया। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। अनुप्रेक्षा जिनागम का सर्वाधिक चर्चित विषय है, ऐसा इन्होंने भारल जी ने इसलिए लिखा क्योंकि आज हमें जितने भी पंथ या फिर संप्रदाय हमारे धर्म में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दिगंबर रामनाय में भी अब 13 पंथी हो गए, कुछ 20 पंथी हो गए, तो ऐसे जितने भी पंथ, जितने भी मान्यता मत वाले हमें हमारे ही धर्म में दिखाई दे रहे हैं, वो सभी भी एक रूप में बिना किसी भेदभाव के इन 12 अनुप्रेक्षाओं का या फिर 12 भावनाओं का स्वरूप वो लोग सभी लोग एक साथ स्वीकार करते हैं। इसीलिए अनुप्रेक्षा जिनागम का सर्वाधिक चर्चित विषय है। और यदि इस बात को और भी विचार करें, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जैनी है उन लोगों को ही इन अनित्यादि भावनाओं का स्वरूप पता है, मतलब हमें एक पर्टिकुलर टर्म से हमें ये पता है कि ये अनित्य भावना है, ये अशरण भावना है, मतलब हमें तो नॉमनक्लेचर भी है, हमारे पास उनका नामांकरण भी है। लेकिन जो जीव या फिर जो लौकिक जीव हैं, जिनको ये सब बातें नहीं पता कि अनित्य भावना क्या होती है या फिर अशरण भावना क्या होती है, उन्हें भले ही इस नाम से इन सब चीजों का ज्ञान ना हो, लेकिन तो भी उन्हें अनित्यता का, अशरणता का बोध तो है, ज्ञान तो है, इतना तो हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सिकंदर का भी एग्जाम्पल आता है, अलेक्जेंडर का, कि उन्होंने लास्ट टाइम पे जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने ये बोला था मृत्यु के पहले कि मैंने जितनी भी धन संपत्ति लूटी थी या फिर मैंने जितनी भी धन संपत्ति लोगों से इकट्ठा करी थी, उस पूरी धन संपत्ति को मेरे अर्थी के पीछे चलाना और मेरे जो हाथ हैं, मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर करना। तो यदि उनको उस टाइम पे इन सब चीजों की अनित्यता स्वीकार नहीं होती, तो वो इन सब कामों को नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी एट लास्ट, भले ही उन्हें पूरे जीवन भर उन्होंने संपूर्ण विश्व को जीतने में अपना पूरा पुरुषार्थ करा, लेकिन एट लास्ट उन्हें भी ये स्वीकार करना पड़ा कि वो उसमें से एक फूटी कौड़ी भी अपने साथ दूसरे भव में नहीं ले जा सकते, अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो एट लास्ट उनको उन सब चीजों की अनित्यता स्वीकार हो गई। कहने का आशा ये है कि हम सभी को इन सब भावनाओं का नॉमनक्लेचर पता है, लेकिन अन्य जीवों को इनका नॉमनक्लेचर नहीं पता, पर अनित्यता स्वीकार है। भावना, एक जो शब्द है भावना, भावना का अर्थ है बारंबार किसी चीज का विचार करना। जैसे अनित्य भावना का मतलब ये हुआ कि अनित्यता का, संसार शरीर और भोगों की अनित्यता का बारंबार विचार करना। ठीक है, तो अज्ञानी और ज्ञानी, इनकी, इनमें मुख्य रूप से अंतर यहीं पे हो जाता है कि ज्ञानी को तो उन अनित्यादि भावनाओं, अनित्यादि जो फीलिंग्स हैं, उनका बारंबार विचार होता है, तो इसलिए उनको भावना कहा जाता है। लेकिन अज्ञानी को अनित्यादि का ज्ञान होने पर भी, जैसे लौकिक जनों को ज्ञान तो है, हमें भी अनित्यादि का ज्ञान तो है, लेकिन हमें उनका बारंबार विचार नहीं होता और हमें संसार शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं आती, इसलिए हम उन्हें भावना नाम नहीं दे सकते। जैसे कि एक अकबर और बीरबल की कहानी भी आती है कि एक बार अकबर ने
बीरबल का ऐसी मजाक उड़ाने के लिए सभा में ऐसा बोला कि बीरबल मुझे एक ऐसा सपना आया कि अपन दोनों एक रास्ते से जा रहे हैं और एक रास्ते पे एक गड्ढा है जिसमें कि मल भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, और एक गड्ढा है जिसमें गन्ने का रस भरा हुआ है। तो बीरबल ने पूछा कि फिर क्या होता है। तो अकबर ने बोला कि उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सपने में देखा कि मैं तो जाकर गन्ने के रस में कूद गया और बीरबल तुम जाके गोबर में कूद गए। तो इतने में जितने भी सभा में लोग बैठे हुए थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो बीरबल ने फिर अकबर से कहा कि महाराज इसका आगे का सपना मैंने देखा था। तो बीरबल अकबर ने बोला कि क्या देखा तुमने। तो बीरबल ने कहा कि मैंने देखा कि जब हम दोनों गड्ढे से निकले तो आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। तो कहने का आशय ये कि एक जो इंसान है वो गन्ने के रस में गिरकर भी गोबर को चाट रहा है और एक जो इंसान है जो गोबर में गिरकर भी गन्ने के रस को चाट रहा है। तो स्वाद मतलब भले ही लिप्त आप किसी से भी हो लेकिन स्वाद किसका आ रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे ही अज्ञानी को उन सब भावनाओं का ज्ञान होने पर भी उन सब चीजों की बारंबार विचार नहीं आता, बारंबार बोध नहीं आता और संसार शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं होती, इसलिए उनको भावना नहीं कहा जाता। और भी यदि हम डिफरेंस देखें कि ज्ञानी और अज्ञानी की जो भावना है उनमें अंतर क्या है, तो अज्ञानी को जो भावनाओं का विचार होता है वो सिर्फ प्रतिकूलताएं आने पर होता है, लेकिन ज्ञानी को प्रतिकूलताएं हो चाहे अनुकूलता हो दोनों समयों पर उनको इन 12 भावनाओं का विचार चलता रहता है। ज्ञानी की जो भावनाएं ज्ञानी जो भावनाएं भाते हैं वो विरक्ति के लिए भाते हैं, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति के लिए भाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है जब वो प्रतिकूलताओं में फंसता है और उन सब प्रतिकूलताओं को जब उसे हटाना होता है तब वो इन सब भावना जो अनित्यादि भावना है उनका विचार करता है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस बुक है, यदि आप लोगों ने उसका नाम सुना हो, एक बहुत ही फेमस बुक है द सीक्रेट नाम से। और यदि कोई मतलब जो यहाँ पे नॉवल वगैरह वगैरह पढ़ता होगा उसको पता होगा ये बुक जो है वो काफी फेमस है और लोगों को मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है और ना जाने उसकी कितनी प्रतियां बिक भी चुकी हैं। तो द सीक्रेट में यदि मैं 2 लाइन में बोलूं कि इस पूरी बुक का सीक्रेट क्या था, पूरी बुक का सार क्या है, तो उसमें ये लिखा कि आप यदि किसी भी चीज का बारंबार विचार करते हो, बारंबार उसी में उपयोग लगाते हो और आपका तन मन धन सिर्फ उस किसी चीज के लिए समर्पित है तो वह चीज आपको जरूर मिल जाएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये पूरा एक सूत्र जिस पर एक पूरी बुक लिखी गई जिसका नाम है द सीक्रेट। मतलब पूरी बुक का रहस्य बस यही है कि यदि आप किसी भी चीज के बारे में बारंबार विचार करते हो, बारंबार चिंतन करते हो तो वह चीज आपको जरूर मिल जाएगी। तो अज्ञानी को जो भावनाएं होती हैं वो किसी चीज को पाने के लिए या फिर संसार शरीर और भोगों में अटकने के लिए होती हैं, लेकिन ज्ञानी की जो भावनाएं होती हैं वो इन संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए होती हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। पहली लाइन में ये लिखा, अनुप्रेक्षा जिनागम का सर्वाधिक चर्चित विषय है। प्रथमानियोग के तो प्रत्येक ग्रंथ में इनका प्रसंगानुसार वर्णन होता ही है। प्रथमानियोग में भी हम यदि देखें तो जो तीर्थंकर भगवानों का दीक्षा कल्याणक होता है, तो जितने भी हम पुराण वगैरह उठाकर देखेंगे तो उनमें जो दीक्षा कल्याणक के जो प्रसंग आते हैं उनमें जरूर ये 12 भावनाओं का वर्णन आता है, जहां पर वो लिखते हैं कि तीर्थंकर ने या फिर मुनिराज ने इन 12 भावनाओं का चिंतन किया और दीक्षा धारण करी, जिससे क्योंकि इन 12 भावनाओं के द्वारा जो वैराग्य है वो और प्रबल होता है। ठीक है, किंतु इस विषय पर स्वतंत्र रूप से भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रथमानियों के ग्रंथों में ही सीमित हो गया ये विषय, इस पर बहुत सारे स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अब ये नहीं समझना चाहिए कि यदि प्रथमानियों के दीक्षा कल्याणक में ही इन 12 भावनाओं का एक स्वरूप आता है या फिर लिखित रूप में वहां पर पाए जाते हैं तो सिर्फ ये दीक्षा कल्याणक तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है, क्योंकि
सिर्फ दीक्षा कल्याणक में लिखी होने से सिर्फ दीक्षा कल्याणक पर ही इन 12 भावना का विचार तीर्थंकरों को या फिर जो भी दीक्षा के लिए जा रहे हैं जीव उनको उधर ही पे विचार होता है, ऐसा नहीं है। इन 12 भावना का विचार जो ज्ञानी जीव है उन्हें प्रतिपल प्रति समय चलता ही रहता है। अभी आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हमने 3 दिन पहले मनाया था। आदिनाथ भगवान, क्योंकि आदिनाथ भगवान ऐसा तो है नहीं कि आदिनाथ भगवान ने पहली बार, जब उन्हें ऐसा कहा जाता है कि नीलांजना का नृत्य देखते हुए, जब नीलांजना की मृत्यु हो गई तो उस चीज को देखते हुए उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई और उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। तो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आदिनाथ भगवान ने पहली बार किसी की मृत्यु देखी होगी, क्योंकि आदिनाथ भगवान की तो कितनी लंबी आयु थी और इस बीच तो ना जाने कितने लोगों की मृत्यु उनके सामने हुई होगी। तो ऐसा तो था नहीं कि आदिनाथ भगवान ने पहली बार किसी का मृत्यु देखी हो। तो सिर्फ यह कहना कि आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखते देखते उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया या फिर नीलांजना की मृत्यु हुई और उसके वजह से उन्हें उस वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, ऐसा कहना पूरा सम्मत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो उन्होंने पहले भी देखी थी। वैराग्य उस टाइम पे प्रबल था और अनित्य आदि का विचार उनको उस टाइम पे आ गया, इसीलिए दीक्षा का प्रसंग बन गया, इसलिए उनको वैराग्य आ गया, ऐसा कहना चाहिए। और जैसे अभी श्रेयांसनाथ भगवान भी हैं, तो श्रेयांसनाथ भगवान को कैसे आया वैराग्य कि पतझड़ उन्होंने देखा और उसके वजह से उनको वैराग्य आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पतझड़ पहली बार देखा हो, लेकिन अब उसी टाइम पर उनको भावनाओं का विचार हुआ और वैराग्य प्रबल हुआ तो उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य कुंद जैसे दिग्गज आचार्यों ने भी इस विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखना आवश्यक समझा। यहाँ पे वारस अणुवेखा जो आचार्य देव का ग्रंथ है कुंद आचार्य का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रथमानियोग और स्वतंत्र ग्रंथों के अतिरिक्त भी संपूर्ण जिनागम में यथास्थान इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। जिनागम में प्राप्त संपूर्ण अनुप्रेक्षा साहित्य को एकत्रित किया जाए तो एक विशाल संदर्भ ग्रंथ तैयार हो सकता है। मतलब इतना विषय है कि एक महान विशाल ग्रंथ भी इस विषय पर तैयार हो सकता है। हमारे इस अनुशीलन का उद्देश्य अनुप्रेक्षा साहित्य का परिशीलन करना नहीं है और ना उनका संदर्भ ग्रंथ तैयार करना ही है। हम तो जिनागम के आलोक में अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में इनके चिंतन की आवश्यकता एवं उपयोगिता का तर्क संगत विश्लेषण करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर उनका उद्देश्य, भारल जी का उद्देश्य यहाँ पर किसी दूसरे आचार्य के, जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा है और भी वारस अणुवेखा है, इन सब ग्रंथों में जो श्लोक या फिर गाथाएं आई हैं उनका ही मात्र यहाँ पर विश्लेषण वो नहीं करेंगे। हाँ, आगे आप आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इन सब ग्रंथों की गाथाओं का या फिर श्लोकों का रेफरेंस वो यहाँ पर जरूर डालेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो भी यहाँ पर अन्य आगे चैप्टर्स में वर्णन करेंगे वो मुख्य रूप से उनका मौलिक चिंतन होगा और उसी के अनुसार जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए हैं वही सब इसमें ग्रंथ में अपन को देखने मिलेगा। अनुप्रेक्षा साहित्य की प्रतिपादन शैली का मूल दृष्टिकोण एवं मूल केंद्र बिंदु का अनुसंधान ही हमारा अभीष्ट है। 12 प्रकार की होने से अनुप्रेक्षाओं को अधिकांशतः 12 भावना के नाम से ही जाना जाता है। लोक में सर्वाधिक प्रचलित नाम 12 भावना ही है। अनुप्रेक्षा नाम को विद्वत समाज के अतिरिक्त बहुत कम लोग जानते हैं। अनुप्रेक्षा शब्द को ज्यादातर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो शब्द है वो ज्यादातर शास्त्रीय शब्द है अनुप्रेक्षा,
और लोक में भी मतलब ज्यादातर हम पढ़ते हैं तो बारह भावना के नाम से ही पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि अनुप्रेक्षा नाम को विद्वत समाज के अतिरिक्त बहुत कम लोग जानते हैं। पद्यमय बारह भावनाओं का गाना गुनगुनाना हमारी धर्मशील माता बहनों की दिनचर्या का मुख्य अंग है। आध्यात्मिक धार्मिक जनों का यह सर्वाधिक प्रिय मानसिक भोजन है। कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया उन्होंने, मानसिक भोजन है। तो अब बस हमें ये नहीं समझना चाहिए कि देवों को ही मानसिक भोजन है, मानसिक भोजन होता है, मतलब देवों वाला जो मानसिक भोजन है वो तो अलग है। यहाँ पे जो मानसिक भोजन इन्होंने लिखा ये है एक भावना, मतलब एक भाव प्रधान उन्होंने लिखा कि जैसे मन की भूख या फिर हृदय की भूख को मिटाने के लिए यदि कोई उत्तम भोजन है तो वह बारह भावना है, ऐसा कहने का अर्थ है। तो आध्यात्मिक धार्मिक जनों का यह सर्वाधिक प्रिय मानसिक भोजन है। जिन बारह भावनाओं को स्वामी कार्तिकेय भव्य जनानंद जननियों अर्थात भव्य जीवों के आनंद की जननी कहते हो, तथा सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुंद कुंद जिन्हें मुक्ति का साक्षात कारण निरूपित करते हो, उन बारह भावनाओं का उन बारह भावनाओं का जन जन की वस्तु बन जाना सहज ही है, स्वाभाविक ही है। ये बारह भावनाएं भव्य जीवों के आनंद की जननी है और मुक्ति का साक्षात कारण है, ऐसा भवीजन आनंद जननियों ऐसा स्वामी कार्तिकेय ने लिखा, और मुक्ति का साक्षात कारण ऐसा कुंद कुंद आचार्य ने वाराणसी अनुवेक्षा में कहा। अब नीचे उसकी गाथा और श्लोक वो कहेंगे, ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। बारह भावनाओं का महात्म्य व्यक्त करने वाला आचार्य कुंद कुंद का कथन इस प्रकार है, गाथा पढ़ते हैं। किम पल्लवीण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले सिज्जि सिज्जिह जेवी भविया तज्जानह तस्य माहप्पम। इसका अर्थ यह है, इस विषय में अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, बस इतना समझना कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध सिद्ध हुए और भविष्य में भी जो भव्य जीव सिद्ध होंगे, यह सब इन बारह भावनाओं का ही महात्म्य है। कितनी बड़ी बात कुंद कुंद आचार्य ने कह दी कि जितने भी जीव पूर्व में मोक्ष गए, जितने वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं और जितने भी भविष्य में मोक्ष जाएंगे सिद्ध होंगे, वो सब इन बारह भावनाओं को भाकर या फिर इन बारह भावनाओं के कारण ही मोक्ष जा रहे हैं। क्योंकि ये बारह भावनाएं भले ही वो एक स्पेसिफिक रूप में अपने, मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इन बारह भावनाओं का पाठ कोई मुनि मतलब दीक्षा ले दीक्षा जैसे मुनि ने ले ली और उसके बाद जब वो ध्यान कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इन वो बारह भावनाओं को ऐसा पाठ कर रहा हो या फिर इन बारह भावनाओं का स्पेसिफिक ऐसे शब्द रूप में उनको ऐसा ध्यान के रूप में उनके प्रकट हो रहा हो, लेकिन इन बारह भावनाओं का जो स्वरूप है, इन बारह भावनाओं का जो एक नेचर है वो उनके ध्यान में एक रूप है। क्योंकि उन्होंने आत्मा को यदि साध लिया, आत्मा का ध्यान यदि उन्होंने कर लिया, तो एक तरीके से उनको जितनी भी भावना है बारह भावना है उनका उनका सार उनको गर्भित हो गया, उसका सार उन्हें प्रकट हो गया। इसलिए यह कहना कि बारह भावनाओं का ही महात्म्य है, जितने भी जीव मोक्ष जा रहे हैं वो बारह भावनाओं के कारण ही जा रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं है, ऐसा कहना सर्वोचित है कि इन बारह भावनाओं का ही महात्म्य है, इसलिए इसमें कोई विरोध अपन को नहीं समझना चाहिए। अब नीचे आचार्य पद्मनंदी भी इन्हें कर्म क्षय का कारण बताते हैं। द्वादशापि सदा चिंत्या अनुप्रेक्षा महात्म भी तद्भावना भवत्येव कर्मणां क्षय कारणम्।
महान पुरुषों को 12 भावनाओं का सदा ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना कर्मों के क्षय का कारण होती ही है। जो महान जीव है उनको 12 भावनाओं का सदा ही चिंतन करना चाहिए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 12 भावनाओं का सदा चिंतन करता है वो महापुरुष होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि महान पुरुषों को 12 भावनाओं का चिंतन सदा ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो दूसरी लाइन में कहा कि तद भावना भवत्येव कर्मणाम क्षय कारणम, इन भावनाओं को भाने से कर्मों का क्षय होता है और ये कर्मों के क्षय में कारण बनती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 12 भावनाओं के चिंतन के लाभ से लाभ गिनाते हुए शुभचंद्राचार्य लिखते हैं कि विद्या, इसका लय मुझे पता नहीं है इसलिए इसको सिंपल पढ़ लेते हैं, विद्याति कषायाग्नि विगलित रागो विलियते ध्वांतम उन्मिष्यति बोध दीपो रदि पुंसाम भावनाभ्यासात्। इन 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लाभ अभी हमने प्रस्तावना में भी, अपन ने जो कल पढ़ी थी उस प्रस्तावना में भी बहुत सारे लाभ दादा ने गिनाए थे। यदि आप जिनस्वर फोरम पे चेक करेंगे तो वहां पर नोट्स में, जो नोट्स दिव्या जी ने डाले हैं वहां पर उन्होंने नोट्स में उन सारे लाभों को गिनाया भी है। उन सब लाभों के अलावा यहाँ पे और भी लाभ शुभ चंद्राचार्य गिना रहे हैं। कौन कौन से लाभ है कि 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो 12 भावनाओं को भाने से हम सभी को प्राप्त होते हैं। और कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मुख्य रूप से तो ये 12 भावनाओं का विषय नहीं आता है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं उन सब विषयों को गर्भित कर लिया जाता है। 12 भावनाओं का विषय कहीं ना कहीं छोटे रूप में भी भले ही आए परंतु इन 12 भावनाओं के विषय को गर्भित कर लिया जाता है। पंडित दौलत राम जी छहडाला में लिखते हैं, मुनि सकल व्रति बड़े भागी भव भोगन ते वैरागी वैरागी उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई इन चिंतत सम सुख जागे जिमी ज्वलन पवन के लागे जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। ये पांचवी जो ढाल है छहडाला ग्रंथ की उसका छंद है कि जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है उसी प्रकार 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। यही कारण है कि सांसारिक भोगों से अत्यंत विरक्त बड़भागी अर्थात बड़े भाग्यवान महाव्रतधारी मुनिराज भी इनका चिंतन करते हैं। जिस प्रकार हवा के लगने से अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जागृत हो जाता है। जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है और उसी में जम जाता है, रम जाता है, तब ही अतींद्रिय आनंद को परिपूर्ण दशा मुक्ति को प्राप्त करता है। तो मतलब कितनी उत्तम ये चिंतन है 12 भावनाओं का जो कि वैराग्य को उत्पन्न करता है। तो ये सिर्फ मुनिराजों के लिए तक सीमित नहीं है। अब अगर यहाँ पे कोई ये छल ग्रहण करे कि मुनिराज ही इनका चिंतन करते हैं तो ऐसा नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ शब्द लिखा है भी का उपयोग किया है, मुनिराज भी इनका चिंतन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुनिराज के साथ साथ आंशिक रूप में ही भले हो, मतलब सच्चा चिंतन तो मुनिराज को ही चल रहा है, लेकिन आंशिक रूप में भी श्रावकों को भी इनका चिंतन चलना चाहिए। तो यदि हम एक शास्त्र की परिभाषा को ना मतलब अवधारण करें कि अगर हमें शास्त्र की परिभाषा याद नहीं हो रही कि भावना क्या है, तो हम एक अपनी भी परिभाषा भावना की बना सकते हैं कि जो संसार शरीर भोगों को भाव ना दे वो सच्ची भावना है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोक में कि यार ये तो किसी को भाव ही नहीं देता, ये मतलब इतना भाव खाता है, जो भाव शब्द आता है वो वाला। तो वैसे ही जो संसार शरीर भोगों को भाव ना दे, उन पर ध्यान ना दे या फिर उनसे डिटैचमेंट करे, वही सच्ची भावना है, वही सच्ची अनुप्रेक्षा है। तो आज अपन ने इसकी स्टार्टिंग पढ़ी है, जिसमें भावनाओं का अनुप्रेक्षाओं का थोड़ा बहुत अभी निरूपण आ गया है कि अभी पूरा डेफिनेशंस नहीं आई है, लेकिन उनकी कितनी महत्वपूर्ण है, वैराग्य की उत्पादक है, उसके बारे में यहाँ पर हमने कुछ चर्चा करी है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे, आगे के स्वाध्याय में करेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई वह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जवाणी के ज्ञान से सूझ लो का लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक।